नमस्ते डियर व्यूअर्स, हर हर महादेव एंड वेलकम टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर दैट्स अबाउट टू अनफोल्ड बिफोर योर आईज। यहीं पर महाकाव्य महाभारत के पांडवों ने एक बार स्वर्ग की अपनी दिव्य यात्रा शुरू की थी एंड नॉट फार फ्रॉम हियर सतोपंत झील के प्राचीन तटों पर त्रिदेव ऋषि मुनि और आध्यात्मिक साधक ध्यान करते थे और इस क्रिस्टल क्लियर पानी के प्रतिबिंब में आत्मज्ञान की तलाश करते थे। आज मैं आपको ऐसी यात्रा पर शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ जो आपको हिमालय के हृदय तक ले जाएगी, एक ऐसी जगह वेयर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकम्स द बेंचमार्क और प्रकृति अपने सबसे विस्मयकारी रहस्यों को उजागर करती है। इस वीडियो के दौरान जब हम इन पहाड़ों में छुपे हुए प्रकृति के खजानों का पता लगाएंगे, चुनौतीपूर्ण इलाकों से गुजरेंगे और तारों से भरे आकाश के नीचे कैंप सेट करेंगे, आप हर कदम पर हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ये एडवेंचर केवल स्टनिंग लैंडस्केप्स से कहीं अधिक है। यह उन लोगों के बारे में है जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम बॉन्ड बनाते हैं। और जब हम इस हिमालयी वंडरलैंड में यात्रा करते हैं तो हमारे भीतर होने वाले गहन परिवर्तनों के बारे में है। आप चुनौतियों पर विजय पाने का उत्साह, प्रकृति की शांति के बीच शांत चिंतन और इस अदम्य जंगल में हमारी सीमाओं को पार करने का रोमांच देखेंगे। इसलिए चाहे आप दिल से एक एडवेंचरर हो या बस हिमालय की महिमा और उसके समृद्ध इतिहास की गूंज की एक झलक तलाश रहे हों, मैं आपको हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस वर्चुअल अभियान में मेरे साथ शामिल हो जाओ। हम साथ में मिलकर हिमालय के पहाड़ों की सुंदरता को एक्सप्लोर करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हमारी हिमालय यात्रा बद्रीनाथ से शुरू होने वाली थी, एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर रोमांच का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही हमारी टीम एकत्र हुई, मानो जैसे अ कलेक्टिव सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी हवा में छा गई। आलीशान लेकिन साहस तोड़ने वाले हिमालय के गगनचुंबी पहाड़ हमारे ऊपर संदेह की छाया डाल रहे थे। हम अनुभवी ट्रेकर्स थे लेकिन यह अज्ञात क्षेत्र था। जैसे ही हम इस हिमालयी ट्रैक पर निकल रहे हैं, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि यह यात्रा केवल लुभावने दृश्यों और शांत घास के मैदानों के बारे में नहीं है। हिमालय हमसे अटमोस्ट रेस्पेक्ट एंड प्रिपेरेशन की मांग करता है। यहाँ की टेरिटोरी कठिन है। खड़ी चढ़ाई, संकरी पगडंडियाँ और पथरीले रास्तों का चक्रव्यूह जो सबसे अनुभवी ट्रेकर्स को भी चुनौती दे सकता है। प्रकृति का मूड भी अनएक्सपेक्टेड रूप से बदल सकता है। हमारा हर कदम हमारे दृढ़ संकल्प का प्रमाण होगा। रास्ता कठिन हो सकता है, हमारी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर सकता है, जो अडेप्टेबिलिटी और चैलेंजेस को विथस्टैंड करने की कैपेबिलिटी की मांग कर सकता है। हमारा गियर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इस प्रतिकूल वातावरण में यह एक जीवन रेखा है। इंसुलेटेड कपड़ों से लेकर आवश्यक सुरक्षा उपकरणों तक हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, वी रिस्क अवरसेल्व्स इनटू द रियल्म ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड सिकनेस इज अ रियल कंसर्न और
हमारी टीम के प्रत्येक सदस्य को इन जोखिमों को कम करने के लिए सावधानी पूर्वक अनुकूलन करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता में है। हम एक टीम है और एक साथ मिलकर हिमालय की विकट चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी कभी सबसे बुद्धिमान विकल्प पीछे मुड़ना हो सकता है। सुरक्षा को बाकी सबसे ऊपर प्राथमिकता देना, हमारा प्रत्येक निर्णय एक दूसरे की भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसलिए जब हम इस एडवेंचर पर निकलते हैं तो हम इन पहाड़ों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। ये विस्मयकारी हैं, लेकिन ये हमारी सतर्कता, तैयारी और अत्यधिक देखभाल की मांग भी करते हैं। उत्साह के बीच हम मार्गदर्शन और आश्वासन के लिए एक दूसरे की ओर मुड़ते थे। प्रत्येक सदस्य के पास प्रकृति की भव्यता के सामने संदेह और भय पर विजय पाने की अपनी कहानी थी। जैसे ही हम बद्रीनाथ की सड़क पर आगे बढ़े, हम एक सामूहिक चौराहे पर खड़े थे। उस चौराहे पर एक तरफ हमारी अनिश्चितताओं और दूसरी तरफ हमारे हिमालयी रोमांच के आकर्षण के बीच फंसे हुए थे। एंड इन दैट मोमेंट एज वी बिगन अवर जर्नी इन टू द अननोन, वी मेड अ कलेक्टिव चॉइस। हमने अपने डाउट्स का सामना करने, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और ट्रांसफॉर्मेशनल एडवेंचर को एक साथ शुरू करने का निर्णय लिया। जैसे ही हम बद्रीनाथ के पवित्र शहर में कदम रखते हैं, हम एक रहस्यमयी स्पिरिचुअल ओरा से प्रभावित हो जाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर सदियों की भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। इसकी जटिल नक्काशी और विशाल शिखर स्वयं स्वर्ग तक पहुंचते प्रतीत होते हैं। दुनिया के कोने कोने से आए तीर्थयात्री अलकनंदा नदी के ठंडे पानी का सामना करते हैं। उनका मानना है कि यह उनकी आत्मा को शुद्ध करता है और उन्हें पापों से मुक्त करता है। और फिर मनमोहक आरती की सेरेमोनी होती है। लयबद्ध मंत्रोच्चार, धूप और दीपों की लयबद्ध तरंग एक ऐसा वातावरण बनाती है जो जादू से कम नहीं है। जैसे ही सूरज ऊंची चोटियों के पीछे डूबता है, बद्रीनाथ का आसमान ऐसी छटा से जीवंत हो उठता है जो सामान्य से कहीं ऊपर की लगती है। इट्स अ साइट दैट लीव्स एवरीवन ब्रीथलेस। लेकिन यह सिर्फ वास्तुकला और अनुष्ठान नहीं है जो बद्रीनाथ को रहस्यमयी बनाते हैं। यह पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं जो इस जगह के चारों ओर रहस्यवाद का ताना बाना बुनती है। यहाँ पे आप हिमालय की शांत सुंदरता के बीच आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में साधकों और संतों को गहरे ध्यान में डूबे हुए पाएंगे। इसलिए जब हम यहाँ बद्रीनाथ के मध्य में खड़े हैं तो वी आर रिमाइंडेड दैट दिस इज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑन द मैप, इट्स अ सेंचुरी वेयर द फिजिकल एंड spiritual worlds meet, creating an experience that's truly mystical. हमारे हिमालय अभियान के पहले दिन हमने पवित्र शहर बद्रीनाथ को अलविदा कहा। हिमालय अपनी साइलेंट विजडम के साथ हमारी यात्रा का गवाह बनकर खड़ा था। जैसे ही बद्रीनाथ पर सूरज उगता है, हम निकलने की तैयारी करते हैं। हर कदम श्रद्धा से ओतप्रोत होता है। यह एक रिमाइंडर है कि यह भूमि केवल भौतिक यात्रा के बारे में नहीं है, यह आत्मा की तीर्थ यात्रा है। As we leave the comforts of बद्रीनाथ,
A sense of excitement fills the air. We know we are about to venture into uncharted territory. इंडिया के लास्ट विलेज माणा तक हमारी जर्नी एक छोटी सी ड्राइव से शुरू होती है. बट दिस रोड इटसेल्फ इज एन एडवेंचर. पहाड़ों के बीच से बहती हुई यह सड़क आगे आने वाले ड्रामेटिक लैंडस्केप्स की झलक पेश करती है, जिसका हम सबको इंतजार है. माणा विलेज वेलकम्स अस विथ ओपन आर्म्स. This is where the road ends and our trek into the wild begins. From here on, it's a journey on foot. Every step takes us further from the familiar and deeper into the untamed wilderness of the Himalayas. आगे का रास्ता संकरा है, लेकिन लुभावने दृश्यों का वादा करता है. प्रत्येक कदम के साथ हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां प्रकृति सर्वोच्च है, और आगे हर कदम पर एडवेंचर हमारा निरंतर साथी है. जैसे ही हम माणा गांव से विदा लेते हैं, हम हिमालय के आकर्षण से आकर्षित होकर अज्ञात की ओर कदम बढ़ाते हैं. हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, और हर कदम के साथ हम इन शानदार पहाड़ों के दिल के करीब पहुंचते हैं. आज का हमारा डेस्टिनेशन है लक्ष्मी वन, जो कि 8 किलोमीटर का ट्रैक है. तो चलो इस ट्रैक की सफर के साथ साथ भारतवर्ष के इतिहास में भी थोड़ा सा सफर करते हैं. हम जिस ट्रैक पे अभी हैं, यह वही पथ है जिस पे चल के पांडवों ने स्वर्ग की तरफ अपनी यात्रा शुरू की थी. शायद इसीलिए इसे सतोपंथ यानी कि सत्य का मार्ग भी कहा जाता है. क्या आप जानते हैं, महाभारत के भीषण युद्ध के बाद काफी लंबे समय तक हस्तिनापुर पे शासन करने के पश्चात पांचों पांडव और द्रौपदी अपने साम्राज्य का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम चरण में मोक्ष प्राप्ति हेतु इसी जगह से स्वर्ग की अपनी यात्रा शुरू करते हैं. और उनके जीवन की यह घटना का वर्णन महाभारत ग्रंथ की 18वीं किताब में किया गया है. बट क्या सच में पांडव स्वर्ग तक पहुंच सके थे? और क्या आपको पता है कि इस यात्रा में 5 पांडवों और द्रौपदी के साथ कोई और भी मौजूद था? क्या वह भी पांडवों के साथ स्वर्ग तक पहुंच सका था? पांडव अपनी स्वर्गारोहण यात्रा शुरू तो करते हैं, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी. माणा गांव से शुरू करते ही पांडवों को उफान पे बहती सरस्वती नदी का सामना करना पड़ा. नदी को पार करने के लिए बाहुबली भीम ने पर्वत से बड़ी शिला को तोड़कर नदी के ऊपर रखा, जिससे एक पुल बना. ये शिला को आज हम भीम शिला के नाम से जानते हैं. भीम शिला को पार करके थोड़ा आगे जाने पर हम माता मूर्ति मंदिर पहुंच गए. ये वो जगह है जहां पे द्रौपदी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी. ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी को अर्जुन के प्रति ज्यादा प्रेमपूर्ण लगन होने की वजह से वह स्वर्ग पाने की हकदार न रही थी. द्रौपदी के देहांत के बाद बाकी बचे पांडव अपने स्वर्ग की यात्रा पे आगे बढ़ते हैं. हम माणा विलेज से 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं. थोड़ा ध्यान से सुनने पर आप वसुधारा फॉल्स की गड़गड़ाहट यहीं से सुन सकते हैं. ये वॉटरफॉल में पानी 400 फीट की हाइट से गिरता है. यह ग्रेसफुल वॉटरफॉल हमें अलकनंदा नदी के राइट साइड पे दिखता है.
ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का पानी किसी भी पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरता। वसुधारा फॉल्स क्रॉस करने के बाद आज का हमारा मार्ग हमें हिमालय के हृदय में और गहराई तक ले जाता है। हम लक्ष्मी वन की ओर जाने वाले पाथ को फॉलो करते हैं। ऐसा लगा मानो के आंखों के सामने दिख रहे गगनचुंबी पहाड़ हमें देख रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। हम हरे भरे घास के मैदानों को पार करते हैं जो अंतहीन रूप से फैले हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन हमारा स्वागत उबड़ खाबड़ चट्टानी ढलानों से होता है जो हमारे धैर्य की मांग करते हैं। हमारा रास्ता हमें एक प्राचीन हिमालयी नदी की ओर ले जाता है। इसका क्रिस्टल क्लियर पानी हमारे चारों ओर की पवित्रता को प्रतिबिंबित करता है। हम प्रकृति की कृपा को स्वीकार करते हुए विनम्रता की भावना के साथ इसे पार करते हैं। रास्ते में सुविधाजनक स्थानों पर हम मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए रुकते हैं। हिमालयन पैनोरेमा हमारे सामने खुलता है जो इन पहाड़ों की भव्यता को दिखाता है। एस वी ट्रैक टूवर्ड्स लक्ष्मी वन, द बॉन्ड्स विथ इन अवर टीम ग्रो स्ट्रॉन्गर। वी एनकरेज ईच अदर थ्रू एवरी चैलेंज, शेयरिंग बोथ the physical exertion and the moments of joy. Finally, as the day comes to a close, we find ourselves in the tranquil embrace of Lakshmivan. तारों से भरे हिमालयी आकाश के नीचे हमारा कैंपसाइट ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी का प्रमाण है। नकुल ने यहीं पे अपनी अंतिम सांस ली थी। ऐसा कहा जाता है कि नकुल को अपने रूप, अपने सौंदर्य का काफी अभिमान था। इसी वजह से वह स्वर्ग पहुंचने का हकदार ना रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लक्ष्मी वन। एज द सन जेंटली किसेस द माउंटेन टॉप्स, हिमालय के मध्य में बसे इस जंगल से एडवेंचर के एक और दिन की शुरुआत करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आज की हमारी डेस्टिनेशन चक्रतीर्थ है, अ प्लेस दैट प्रॉमिसेस बोथ चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स। द जर्नी स्पैन्स जस्ट 8 किलोमीटर एंड दिस 8 किलोमीटर पाथ होल्ड्स सरप्राइजेस एट एवरी टर्न। आज हम यहां से सतोपंत वैली में एंटर करने वाले हैं। लक्ष्मी वन से चक्रतीर्थ तक का रास्ता हमें जंगल की गहराई में ले जाता है। हर कदम हिमालय की प्रिस्टीन ब्यूटी को रिवील करता है। हर मोड़ के साथ ब्रेथ टेकिंग व्यूज रिवील होते हैं। धानो ग्लेशियर के मराइंस की एज पे सिचुएटेड इस ग्रासलैंड के ऊपर से होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रासलैंड पाथ को क्रॉस करने के बाद हम 5 किलोमीटर ट्रैक कर चुके हैं और हमें बस थोड़े आगे जाते ही सहस्त्रधार वॉटरफॉल्स दिखने वाले हैं। ट्रेल के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें माउंट नीलकंठ दिख रहा है और माउंट नीलकंठ के सामने ये जो एक मोनोलिथिक रॉक खड़ा हुआ है उस पे से गिरते हैं छोटे छोटे 100 से ज्यादा वॉटरफॉल्स। यही है सहस्त्रधार वॉटरफॉल्स। दोस्तों, सहस्त्रधार के पास सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। कहा जाता है कि सहदेव को अपने ज्ञान का काफी अभिमान था, इसी वजह से वह स्वर्ग तक पहुंचने का हकदार ना रहा था। लक्ष्मी वन से चक्रतीर्थ तक का रास्ता हमें विल्डरनेस की गहराई में ले जाता है। हर कदम पर हिमालय की प्राचीन सुंदरता का पता चलता है।
हर मोड़ के साथ मनमोहक परिदृश्य खुलते हैं। हिमालय में ट्रेकिंग का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, यह यात्रा का आनंद लेने के बारे में है। एंड हियर एवरी पॉज ऑफर्स अ न्यू पर्सपेक्टिव एस वी अप्रोच चक्रतीर्थ। द एक्साइटमेंट इन द एयर इज पाल्पेबल। हमने इसकी सुंदरता की कहानियां सुनी है और अब हम इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने जा रहे हैं। एंड हियर वी आर चक्रतीर्थ, अ प्लेस दैट सीम्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ फेरी टेल। सराउंडेड बाय एमराल्ड ग्रीन मीडोस, दिस हिडन जेम इनवाइट्स अस टू रेस्ट एंड रिजुविनेट। Our camp at Chakratirth becomes our sanctuary, where we gather around the warmth of the campfire, sharing stories, laughter, and the sheer joy of being in the heart of the Himalayas. दोस्तों, चक्रतीर्थ वो जगह है जहां पे अर्जुन ने अपने प्राणों का त्याग किया था। अर्जुन को इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्योद्धा होने का अभिमान था, इसी वजह से वह स्वर्ग तक पहुंचने का हकदार ना रहा था। As the day transitions into night, the Himalayan sky puts on a dazzling display of stars. It's a reminder that even in the remotest corners of the world, nature's beauty shines brightly. कल हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम हिमालय की गहराई में उतरते हुए अपना अभियान जारी रखेंगे। With the first flush of morning sunshine, we bid farewell to the peaceful heaven of Chakratirth. आज हमारा मार्ग हमें अत्यंत महत्व के स्थान पवित्र सतोपंथ झील की ओर ले जाता है। With our backpacks laden with essentials and our spirits soaring, we prepare to set forth on a journey that holds the promise of spiritual awakening. सतोपंथ की राह हमारे सामने खुलती है, जिसके दोनों ओर विशाल हिमालय की चोटियां हैं, जो इस पवित्र पथ की रक्षा करते हुए गार्ड के रूप में खड़ी है। द ट्रेल टू सतोपंथ इज नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। यह एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग चढ़ाई है, जो बॉडी और माइंड दोनों को उनकी लिमिट्स तक धकेल देती है, लेकिन यह एक ऐसी क्वेस्ट है जिसे हम स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। हमारा रास्ता हमें दुर्गम इलाके में ले जाता है। Every step is a test of balance and courage. On the steepest climbs, हमें टीमवर्क का सही अर्थ पता चलता है। And then we reach a vantage point that takes our breath away. The entire Himalayan panorama unfolds before us.
जैसे जैसे हम शतोपंथ के करीब आते हैं, वातावरण सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एंटीसिपेशन की भावना से भर जाता है। द समिट इज विथ इन रीच, जो एक फाइनल पुश की डिमांड करता है। और फिर आखिरकार हम पौराणिक शतोपंथ झील पर पहुंचे। चट्टानी इलाकों के बीच ये क्रिस्टल क्लियर ज्वेल हमारा अल्टीमेट रिवॉर्ड है, अ साइट दैट लीव्स अस इन ऑ। यहां शतोपंथ झील के तट पर वी फाइंड सोलेस, एकॉम्प्लिशमेंट एंड अ कनेक्शन to the very essence of the Himalayas. It's a journey that has reshaped us. और ये हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेगी। शतोपंथ वो जगह है जहाँ पे भीम ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने अपने जीवन में आवश्यकता से कई गुना अधिक भोजन ग्रहण किया था, इसी वजह से वह स्वर्ग तक पहुँचने का हकदार न रहा था। और पांच पांडव और द्रौपदी में से अब यहां से सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ का एक अननोन पर्सन ही बाकी रहे थे, जो यहां से स्वर्गारोहिणी तक की लास्ट सफर पे निकलने वाले थे। शतोपंथ एक अनटच्ड ग्लेशियल लेक है जो 14,700 फीट के एल्टीट्यूड पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस ट्रायंगुलर लेक के कॉर्नर्स पे बैठ के साधना की थी। और क्या आप जानते हैं कि ये लेक की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा साफ और एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। Water quality of this lake is excellent. There are stories and beliefs that a few rare birds keep the lake clean all the time. But nobody has spotted those birds till now. और इस lake के water quality पे एक extensive study भी हुई है। इस study के हिसाब से ये lake का पानी World Health Organization और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पीने के लिए बेस्ट क्वालिटी का पाया गया है। मैं ये स्टडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हो। यहां सूर्यकुंड में, वेयर द मिस्टिकल मीट्स द मैजेस्टिक, हमारी नजरों के सामने एक असाधारण महत्व का दृश्य प्रकट होता है। स्वर्गारोहिणी सीढ़िया। लीजेंड्स के मुताबिक ये सीढ़िया स्वर्ग की ओर ले जाती है। दिस एंशियंट स्नोवी स्टेप्स होल्ड द प्रोमिस ऑफ अ सेलेशियल एसेंट, अ पाथ to the heavens. श्रद्धा से भरे हृदय के साथ हम स्वर्गारोहिणी सीढ़ियों की ओर पहला कदम रखते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें सामान्य से ऊपर उठकर असाधारण तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती है। आज मानो तलवार की धार पे ही चलना है हमें। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेल नैरो होती जा रही है। यहाँ पे हर एक कदम अवेयरनेस के साथ चलना पड़ेगा। अगर पैर स्लिप हो गए तो या तो एक साइड की बैरन लैंड में गिर जाएंगे या तो फिर सीधा ग्लेशियर के अंदर। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी एरर हियर। आज के दिन का ट्रैक सबसे डिफिकल्ट है। टोटल 6 किलोमीटर के ट्रैक में अप्रोक्सीमेटली 2,500 फीट का एल्टीट्यूड गेन होगा।
सतोपन ताल 14,700 फीट की एल्टीट्यूड पर है और हमें 17,250 फीट की हाइट तक पहुंचना है। इस एल्टीट्यूड पे 100 फीट का हाइट गेन होने पर भी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। चढ़ाई कठिन है, पाथ एंडलेस सा फील होता है, लेकिन प्रत्येक कदम के साथ हम स्वर्ग के करीब परमात्मा के दायरे में पहुंचते हैं। फिजिकल चैलेंजेस के बीच वी स्टॉप टू टेक अ ब्रेथ एंड लुक एट द गॉर्जियस सीनरी दैट सराउंड्स अस। द हिमालयन पीक्स सीम विद इन अवर ग्रास्प। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हम इस यात्रा के आध्यात्मिक महत्व पर विचार करते हैं। हिमालय के पहाड़ न केवल भौतिक चढ़ाई का प्रतीक है, बल्कि आंतरिक उत्थान की खोज का भी प्रतीक है। और हमारी चढ़ाई के चरम पर हम स्वर्गारोहिणी के मार्ग पर एक वेंटेज पॉइंट पर खड़े हैं और हमारे चारों ओर फैले हुए हिमालयी पैनोरामा को देख रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहीं से युधिष्ठिर और स्वान का रूप धारण किए हुए धर्मराज को स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र ने स्वर्ग से एक विमान भेजा था और सिर्फ युधिष्ठिर और स्वान का रूप धारण किए हुए धर्मराज ही स्वर्ग तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं। एंड में यह जरूर बताना चाहूंगा कि हिमालय की हमारी यात्रा केवल एक फिजिकल एक्सपीडिशन नहीं रही। इट हैज बीन अ जर्नी ऑफ द सोल। एस स्ट्रेंजर्स हम यह एडवेंचर पर निकले, बट जैसे ही हम कैंप फायर्स की वॉर्म्स में साथ में इकट्ठा हुए, वी वर नो लॉन्गर स्ट्रेंजर्स। वी वर अ फैमिली फोर्ज्ड बाय द चैलेंजेस एंड ब्यूटी ऑफ द हिमालयस। फॉर सम ऑफ अस इट वॉज ऑल अबाउट कॉन्करिंग फिजिकल पीक्स, फॉर अदर्स ये नेचर की भव्यता के बीच आत्मनिरीक्षण के शांत क्षण थे। एंड फॉर मैनी इट वॉज द रियलाइजेशन दैट इन द हार्ट ऑफ द हिमालयास वी फाउंड अ पीस ऑफ अवर ओन हार्ट्स। हिमालय के रात्रि आकाश के तारों से सजे कैनवास के नीचे हमने न केवल अपने पैरों की नीचे की पृथ्वी से बल्कि स्वयं ब्रह्मांड से भी एक संबंध पाया। हमें एहसास हुआ कि हम सभी किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। हमारे फुटप्रिंट्स इन हिमालयी मार्गों पर धुंधले हो सकते हैं, लेकिन हमने जो यादें बनाई हैं, जो दोस्ती हमने बनाई है और जो सबक हमने सीखा है, वह हमारे दिलों में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। As the sun rises over the Himalayas, it marks not just the end of our journey, but the beginning of a new chapter in our lives. We leave these mountains, but these mountains will never leave us.